गाइज, आज की वीडियो हम बात करेंगे WWE रॉयल रंबल 2020 के बारे में कि हमें यहाँ कौन कौन से मैच देखने को मिलने वाले हैं और क्या होंगे इनके रिजल्ट्स वेटिंग ओट्स के हिसाब से और क्या है इन मैचेस के रिजल्ट्स को लेके मेरी प्रेडिक्शन। सो हाय गाइज, दिस इज चित्रांश एंड यू आर वॉचिंग रसल अपडेट। तो गाइस, WWE का साल 2020 का पहला बड़ा पेपर व्यू रॉयल रंबल 2020 संडे यानी कि 26 जनवरी 2020 को हॉस्टन टेक्सास में होने जा रहा है और हमें भारत में ये पेपर व्यू लाइव 27 जनवरी 2020 को सुबह 5:30 बजे से Sony 10-1 पे इंग्लिश और Sony 10-3 पे हिंदी में देखने को मिलेगा। गाइस, हमें 30-मैन रॉयल रंबल मैच, यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के साथ साथ बहुत सारे अच्छे मैचेस और सरप्राइज एंट्रीज भी देखने को मिलने वाली हैं। तो गाइस, बात करते हैं सभी मैचेस और उनके रिजल्ट्स की। तो गाइस, हमें सबसे पहले एक वन ऑन वन मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा Shorty G और सेमिस के बीच में। और गाइस, बात करें बैटिंग ओट्स की, तो गाइस बैटिंग ओट्स के हिसाब से इस मैच को सेमिस जीतने वाले हैं। और गाइस, मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि सेमिस इस मैच को बहुत ही डोमिनेंट तरीके से जीतकर अपनी जबरदस्त वापसी का मैसेज देंगे। गाइस, इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन अंड्राडे और हम्बर्टो कैरिलो के बीच में। और गाइस, ये मैच बहुत अच्छा मैच होने वाला है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार हाई फ्लाई सुपरस्टार हैं। और गाइस, बैटिंग ओट्स की माने तो हमें यहाँ टाइटल में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस, मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि इस मैच में ज़ेलिना वेगा हमेशा की तरह अपना इंटरफेरेंस करेंगी और उसका फायदा उठा के अंड्राडे हम्बर्टो को पिन करके अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। गाइस, इसके बाद हमें स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा जो कि होगा स्मैकडाउन वुमन चैंपियन वैली और लेंसी इवांस के बीच में। और गाइस, बैटिंग ओट्स की माने तो बेली इस मैच को जीतकर अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब होंगी। लेकिन गाइस, मेरी प्रेडिक्शन यहां पे बिल्कुल उलट है। मुझे लगता है कि इस मैच को लेंसी इवन जीतकर टाइटल अपने नाम करेंगी। गाइस, इसके बाद हमें WWE रॉ वुमन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। ये एक टाइटल मैच होगा जो कि होगा रॉ वुमन चैंपियन बेकी लिंच और आस्का के बीच में। गाइस, ये मैच काफी धमाकेदार होने वाला है। गाइस, बात करें बैटिंग ओट्स की, तो गाइस बैटिंग ओट्स के अनुसार बेकी लिंच इस मैच में जीतने वाली हैं और अपना टाइटल बचाने में कामयाब होंगी। और गाइस, मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि बेकी लिंच आस्का के ऊपर अपनी पहली जीत हासिल करने में कामयाब होंगी और फिर WrestleMania 36 में वो किसी बड़े अपोनेंट के आगे अपना टाइटल डिफेंड करेंगी। गाइस, इसके बाद हमें एक फॉल काउंट एनीवेयर मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा किंग कॉर्बिन और हमारे सबके चहेते द बिग डॉग रोमन रेंस के बीच में। गाइस, मैच अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में रोमन रेन अपना बदला लेने वाले हैं। और गाइस, बात करें बैटिंग ओट्स की, तो गाइस हमारे रोमन रेन इस मैच को जीतने वाले हैं। और गाइस, मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि फाइनली हमारे रोमन रेन किंग कॉर्बिन को हरा के इस मैच में जीत दर्ज करने वाले हैं। गाइस, के बाद हमें एक स्ट्रैप मैच देखने को मिलेगा जो कि होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। और गाइस, ये मैच होगा WWE यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड ब्रे वाइट और डेनियल ब्रायन के बीच में। गाइस, इस मैच का रूल है कि दोनों रेसलर्स के एक एक हाथ स्ट्रैप से बंधे होंगे जिससे कि कोई भी रेसलर भाग नहीं सकेगा। गाइस, ये मैच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि गाइस इस मैच के लिए WWE ने अच्छी हाइप तैयार की है। गाइस, बात कर रहे हैं बैटिंग ओट्स की, तो गाइस द फिंड ब्रे वाइट जीत के लिए डेनियल ब्रायन से बहुत आगे चल रहे हैं और अपना टाइटल रिटेन करने में वो कामयाब होंगे। और गाइस, मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि ब्रे वाइट अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहेंगे क्योंकि गाइस WWE द फिंड ब्रे वाइट को WrestleMania का मेन इवेंट मैच देने वाली है और इसके लिए ब्रे वाइट को यूनिवर्सल चैंपियन होना बहुत जरूरी है। गाइस, इसके बाद हमें 30-वुमन रॉयल रंबल मैच देखने को मिलेगा जिसके लिए अभी तक 7 वुमन सुपरस्टार के नाम अनाउंस हुए हैं और 23 स्पॉट्स अभी तक खाली हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि नायोमी भी इस मैच में सरप्राइज रिटर्न करने वाली हैं जिसे PW इंसाइडर ने कंफर्म कर दिया है। और गाइस, नायोमी के साथ साथ और भी बहुत सारी महिला रेसलर्स इस मैच में हिस्सा लेंगी जिसमें NXT की महिला रेसलर्स भी आने वाली हैं। और गाइस, मेरी कवर के अनुसार यहां पे हमें रोंडा राउजी का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। और गाइस, बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइस बैटिंग ओट्स की माने तो सेना वेजलर जीत के लिए सबसे आगे चल रही हैं जो कि NXT की महिला सुपरस्टार हैं और इसके बाद नंबर है रोंडा राउजी का और शार्लेट फ्लेयर का। और मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है, लेकिन गाइस फाइनल इस मैच को कौन जीतेगा ये तो हमें रॉयल रंबल में ही जाके पता चलेगा। गाइस, इसके बाद हमें एक 30-मैन रॉयल रंबल मैच देखने को मिलेगा जिसमें 30 सुपरस्टार हिस्सा लेने वाले हैं और अभी तक 24 सुपरस्टार का नाम अनाउंस हो चुका है और 6 स्पॉट्स अभी भी खाली हैं। गाइस, जो सुपरस्टार इस मैच में हिस्सा लेने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे सामने हैं। और गाइस, ब्रॉक लेसनर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस मैच में फर्स्ट स्पॉट पे एंट्री लेने वाले हैं, यानी कि इस मैच की शुरुआत से ही ब्रॉक लेसनर इस मैच में हिस्सा लेने वाले हैं। गाइस, रूमर्स चल रहे हैं कि एज भी सरप्राइज रिटर्न करके इस मैच का हिस्सा होने वाले हैं
और मैट रिडल जो कि एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं वो भी इस मैच में हिस्सा ले सकते हैं। गाइज ये मैच इस पेपर व्यू का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और बहुत ही सरप्राइजेस से भरा हुआ मैच होगा। गाइज बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो गाइज बैटिंग वोट्स के हिसाब से रोमन रेन जीत के लिए सबसे आगे चल रहे हैं और इसके बाद नंबर है द साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर का और फिर नंबर है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का। और गाइज मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है लेकिन फाइनल रेट हमें रॉयल लंबल में ही पता चलेगा। तो गाइज ये बैटिंग वोट्स और मेरी प्रेडिक्शन थी रॉयल लंबल 2020 के लिए। गाइज आपकी प्रेडिक्शन क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, साथ में कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन दबा के पास में जो बेल वाला बटन है उसे भी दबा देना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।